बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की फिल्म सुई धागा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म सुई धागा 5 साल पहले यानी 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस पर वरुण और अनुष्का की सुई धागा ने जमकर धमाल मचाया था। मेक इन इंडिया अभियान को दर्शाती सुई धागा को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म सुई धागा आने वाले समय में चीन में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म प्रोडक्शन की ओर से एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में फिल्म सुई धागा का चाइनीज भाषा में प्रिंट पोस्टर दिखाई दे रहा है। साथ ही पोस्ट के कैप्शन में तरण आदर्श ने लिखा है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म सुई धागा अब चीन की ओर चली है। फिल्म का चीनी पोस्टर सामने आ गया है और ये सुई धागा आने वाली 31 मार्च को चीन के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भारत की तरह क्या वरुण और अनुष्का की सुई धागा चीन में भी सफलता हासिल करने में कामयाब होती है या नहीं। फिल्म सुई धागा अपने दर्शकों को एक जरूरी मैसेज देती है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह फिल्म पति पत्नी के रिश्ते के साथ साथ भारत के मेक इन इंडिया कैंपेन पर आधारित है। वैसे तो ये फिल्म भारत में लोगों को काफी पसंद आई थी। अब ये देखना होगा कि चीनी जनता इस फिल्म को पसंद करती है या नहीं।